दादी माँ के घरेलू नुस्खे 20 बेस्ट किचन टिप्स। 1. किसी कारण आपके पैरों में सूजन हो रही है तो इसके लिए आप गर्म पानी में कपूर और नमक मिलाकर कुछ देर के लिए अपने पैरों को इस पानी में रख दें। यह सूजन और दर्द कम करने में मदद करेगा। इससे नसों में हो रहे दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जिनके पैरों में दर्द होता है तो आप एक बाल्टी लें या फिर एक टब ले लें, उसमें पानी भरकर कपूर और नमक डालें। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, आपके पैरों की सूजन चली जाएगी और पैरों का दर्द भी गायब हो जाएगा। 2. छोटे बच्चे नज़र की वजह से बीमार पड़ जाते हैं या फिर बार बार बीमार होते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बताने वाली हूँ। आप जो खाना बनाते हैं, जो लोहे का तवा होता है, उसकी कालिख लें और थोड़ा सा बच्चों के गाल पे या फिर माथे पर लगा दें। इससे बच्चे के नज़र नहीं लगेगी और बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। 3. आंवला का रस हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रख सहायक होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को संतुलित रखता है। 4. कच्ची रोटी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आपको बीमार कर सकती है। तो हमेशा रोटी को तवे पर बहुत अच्छे से पकाएं। कई लोगों की आदत होती है कि रोटी को तवे पर कच्ची रख के फिर डायरेक्ट सेक लेते हैं, ऐसा कभी ना करें। तवे पर अच्छी तरह पकने दें रोटी को। 5. खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खा लो, शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, तो रोज़ाना एक फल जरूर खाना चाहिए। 6. सरसों का साग खाओ, खून की कमी कभी नहीं होगी। 7. ज़्यादा लस्सी पीने से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। 8. मसूर की दाल का ज़्यादा सेवन करें, ये आपको पेट की बीमारियों से बचाती है। तो जिनके पेट में दिक्कत है या फिर कब्ज की दिक्कत, जल्दी से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप मसूर की दाल का सेवन करें। 9. जो इंसान खाना खाने के बाद में गुड़ खाता है, उसकी याददाश्त और उसका पेट कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं, तो रोज़ाना एक गुड़ खाने का नियम बना लें। एक छोटा सा टुकड़ा लें गुड़ का और खाना खाने के तुरंत बाद ही खा लें। 10. ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर होने लग जाता है, इसलिए सोने और जागने का टाइम फिक्स रखें। 11. बालों पर तिल का तेल लगाना शुरू कर दें, इससे बाल झड़ेंगे नहीं और सफ़ेद भी नहीं होंगे। बालों पर तिल का तेल बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए हफ्ते में एक या दो बार तिल का तेल ज़रूर लगाएं। 12. 4 चीज़ आपको परेशान और बीमार करती हैं। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोचना और ज़्यादा बातें करना। तो अगर आप इन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। 13. जो बहुत ज़्यादा अकलमंद होते हैं उनकी लिखावट बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से तेज चलता है। तो आपने देखा होगा कई लोगों की लिखावट अच्छी नहीं होती है। 14. जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनका दिमाग अक्सर ख़राब रहता है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं रहता है। इससे आप कई बीमारियों हो सकती है। 15. दांतों में खून आने से रोकने के लिए एक नींबू का रस, एक छोटी प्याली नीम के पत्तों का रस और आधा चम्मच नमक सुबह शाम गरारा कर ले, आपके दांतों से खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये टिप्स बहुत काम आने वाला है, आप एक बार करके देखें। अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा। 16. कपड़ों पर चाय गिर जाए तो तुरंत थोड़ी सी टैल्कम पाउडर छिड़क दें, इससे दाग नहीं पड़ेंगे।
तो ये टिप्स भी आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि चाय अक्सर गिरी जाती है कपड़ों पर, तो आप तुरंत टैल्कम पाउडर उस जगह पर छिड़क दें, इससे चाय का दाग नहीं पड़ेगा। नंबर 17, माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसलिए कभी भी अगर आपको ये आदत है तो आज से ही छोड़ दें। बिल्कुल माथे पर हाथ रख के कभी नहीं बैठना चाहिए, ये शुभ भी नहीं होता और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। नंबर 18, सर पर नमक वाला पानी लगाएं, इससे जुएं ख़त्म हो जाएगी। जिनके जुओं की दिक्कत है तो ये काम करके देखें। नंबर 19, नीम का रस जख्म पर डालने से जख्मी जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 20, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ये एक सस्ती दवा है स्वस्थ जीवन जीने की, इससे आपके कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।